ये पुराने पेपर का पेज ले, पेज को टू पार्ट में फाड़ ले, फिर एक कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ करके उसको फाड़ ले। पानी से पेपर को एक ट्रॉफ से भिगा ले। फिर पेपर को टाइटली रोल करे सीधी डायरेक्शन में। पेपर के एंड को फेवी स्टिक की हेल्प से चिपका ले। एक्स्ट्रा पेपर को कट के आरार ले। पेपर कटर की हेल्प से पेपर की टिप को शार्प करें। फिर उस टिप को सैंड पेपर पर घिस ले। अब आपका ब्लेंडिंग स्टंप यूज करने के लिए रेडी है। सेम प्रोसेस से डिफरेंट साइज के ब्लेंडिंग स्टंप बनाने। थैंक यू।